रहस्य से भरा मरमैन का ठिकाना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में विश्वास। बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। वो क्या है? नहीं सर, शायद कोई चिड़िया है। नहीं, वो बॉम्बर है। अब तुम सब बिल्कुल सुरक्षित हो। ये तो बॉम्बर है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, संभल कर आगे जाना। अरे मित्सुओ कहाँ चला गया? किसी ने उसे देखा? ये रहा मित्सुओ। तुम कहाँ चले गए थे मित्सुओ? अब वो मैं ना मैं अकेले जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे। ये लोग कितना मजाक उड़ाते हैं मेरा। सर, यहाँ पर ये क्या लिखा है? लिखा है कि पुराने समय में यहाँ एक टेंगू परिवार हुआ करता था, जो रात में पत्थर उठाए इस पूरे इलाके में घूमता रहता था। गांव के लोग उस परिवार के लोगों से बहुत डरते थे, इसलिए गांव वाले यहाँ नहीं आते थे। चलो बच्चों, ब्रेक लेते हैं और कोई भी यहाँ से दूर मत जाना, समझ गए? आसमान में पत्थर पकड़ के उड़ना, हमारा फरमैन भी तो ऐसा ही करता है। सही कहा दोस्तों। इधर आओ। ये कबाब इतना क्यों चिल्ला रहा है? वैसे हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? सुनो दोस्तों, यहाँ आओ जल्दी। दोस्तों ये देखो, पत्थर की ये मूर्ति और वो दोनों एक जैसी हैं। लगता है पुराने जमाने के परमैन यही रहते होंगे। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बुद्ध का रक्षक है। सच में, मैंने तो कभी ऐसा रक्षक नहीं देखा। अरे इसे खोल कर देखते हैं, साफ साफ पता चल जाएगा। ये क्या है? यहाँ तो एक दरवाजा है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो। अंदर जाना जरूरी है क्या? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे धक्का मत दो, आराम से चलो। अरे याद आया, टॉर्च तो मेरे पास भी है। सुनो मित्सुओ, परमैन को जल्दी बुलाओ। हाँ, थोड़ी देर पहले उसने बस को बचाया था, हो सकता है वो यहीं कहीं पर हो। लेकिन यहाँ से मैं उसे कैसे बुलाऊंगा? चलो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अगर सच में यहाँ परमैन रहते थे तो पुराने परमैन का सूट भी तो यही होना चाहिए, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा हरुजो। चलो उसे ढूंढते हैं, उसका पता लगाते हैं। बर्डमैन ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि पुराने समय में भी परमैन होते थे। यही सही मौका है। सुन लो मित्सुओ, अकेले होशियारी मत दिखाना वरना। क्या हुआ? अरे वो तो परमैन मास्क है। हाँ सही कहा। सुनो साबू, जाओ उठाओ उसे। क्या मैं कैसे उसे उठाऊं? तुम सच में आ गए? इससे भला क्या डरना, ये तो मामूली सा काम है। अरे कहो साबू कहाँ है? तुम दोनों कहीं जाना नहीं, यही मेरा इंतजार करना, ठीक है? ओए कबाब साबू, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर निकलने का रास्ता? कितनी खूबसूरत जगह है, ये जरूर चमकने वाली घास होगी जो कुछ खास जगहों पर ही उगती है। लगता है वो दोनों इसमें गिर गए हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे ये क्या है, ये तो कोई जेल लगता है। जल्दी आ करो।
昔のパーマンは日本式を好んだんだな。早く出口探しましょう。नहीं, पहले हम परमैन का पुराना सूट ढूंढेंगे ताकि मैं भी परमैन बन जाऊं। लेकिन कबाओ, वो कहाँ पर रखा होगा? लगता है ये परमैन का मास्क है। ये तो मामूली हेलमेट है। तुम नहीं जानते साबू, इसे पहनते ही मुझ में ताकत आ जाएगी। मुझ में ताकत आ रही है। वाह, इसमें तो सच में परमैन की ताकत है। मैं भी कोशिश करता हूँ। हे कबाओ, साबू, कहो तुम। अरे ये क्या है? ये तो किसी पुराने निंजा हाउस जैसा लगता है। और ये रस्सी क्यों लटकी है? मुझे तो लगता है इतने पानी में मैं डूब ही जाऊंगा। वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहता था, पर उस दिन मेरे जेब से किसने पैसे निकाले? तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, वो पैसे मैंने ही लिए थे। मुझे लगा चोरी हो गए थे। मैंने लिए थे। मम्मी बचाओ, बचाओ। चल, वो दोनों वहाँ ऊपर है। अब तुम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हो। मुझे लगता है यहाँ पर पर्मन परिवार रहता था। नहीं, ये जरूर निंजा के छिपने की जगह होगी। अगर यहाँ संभल कर कदम नहीं बढ़ाया तो यहाँ का सिस्टम इस पूरी जगह की धज्जियाँ उड़ा देगा। कुछ करता हूँ। एक और खतरा। कोई बात नहीं। अब चलो चलते हैं यहाँ से। वो देखो, मिल गया बाहर जाने का रास्ता। चलो अब तुम सब मुझे कस कर पकड़ लो जल्दी। डरो मत बच्चों, ये तो मामूली सा भूकंप है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था तू भी मेरे खोए हुए 5 बच्चों को बचाकर सही सलामत ले आओगे। ये सब के सब बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। परमैन सिर्फ आज के समय में ही होते हैं। हो सकता है कि एक से दूसरे पेड़ पर अपने साथ पत्थर उठाए घूमने वाला वो निंजा हो जो दिखता टेंगू की तरह हो, और कुछ निंजास तो रुई की तरह पत्थर को उठा लेते थे। अरे वाह परमैन, तुम तो बहुत समझदार हो। अरे ये मिक्स वो कहाँ चला गया? अरे हाँ, वो जरूर अपनी ही खिचड़ी पका रहा होगा। हमेशा ऐसा ही करता है। मैं उसे लेकर आता हूँ दोस्तों। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मिलने पर सबसे पहले तो मैं उसे अच्छी डांट लगाऊंगा। हाँ छोड़िए सर, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। कैसे बताऊँ इन्हें कि मैं ही परमैन हूँ।